राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश पर अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय मंडलेश्वर अजय प्रकाश मिश्र और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडलेश्वर विकास चंद्र मिश्र के निर्देश पर ADR सेंटर महेश्वर में पैरालीगल वॉलंटियर रिफ्रेशर और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए जिला न्यायाधीश ने कहा, पैरालीगल वॉलंटियर विधिक सेवा संस्था द्वारा जरूरतमंद व्यक्तियों को जागरूक करने और कानूनी मदद करने के लिए महत्वपूर्ण माध्यम है। जिला विधिक सहायता अधिकारी रोबिन दयाल द्वारा कार्यक्रम की रूपरेखा उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया। नालसा की योजना और प्रावधान और PLV के योगदान पर व्याख्यान दिया गया। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। एक ऐसा कानूनी प्रावधान है जिसमें अभियुक्त को अगर अभियुक्त पहली बात यदि अभियुक्त स्वीकार करता है कि हाँ मैंने गुनाह कर लिया है तो दूसरी बात ये एक एफिडेविट बनाएगा अभियुक्त जिसपे वो क्या लिख के देगा कि मैं स्वेच्छा पूर्वक ये कि जो लोग घर से संपन्न है एक्चुअली उनके लिए एक आदत जिस तरीके से किसी समय वकालत का कार्य माना जा रहा था कि जो घर से संपन्न है उसको वकालत का पैसा करना चाहिए और उस जमाने में फीस मांगी नहीं जाती थी बल्कि जो एक बड़ी सी कोर्ट जो है हुआ करती थी उस कोर्ट के पीछे जो है पॉकेट होता था। उस पॉकेट में कोई जिसका केस डिसाइड होता था जो पक्षकार जो है प्रसन्न होता था तो कुछ राशि उसमें रख देता था। उसी तरीके का ये कार्य ऐसा भी नहीं कि आपके मतलब यूनिफॉर्म में पीछे कोई पॉकेट इसमें पॉकेट भी नहीं, आपको सिर्फ आत्मसंतुष्टि के लिए कार्य करना है। हाँ, इस कार्य से अनुभव प्राप्त करने के बाद है ना, इस कार्य में आपको बार बार कानून की जानकारी दी जाएगी, आपको जगह जगह जाकर के लोगों को कानूनी रूप से शिक्षित करना है। आपके ज्यादातर मामले मैरिज से संबंधित जाते हैं, दत्तक ग्रहण वगैरह से संबंधित जाते हैं और जो उनका एक क्षेत्राधिकार होता है वो एक नोटिफिकेशन के द्वारा तय होता है। तो जिले का क्षेत्राधिकार यानी नल्ली क्षेत्र का क्षेत्राधिकार ज्यादातर उनके पास में रहता है और इनका तो वहां 125 के जो मामले भरण पोषण वाले वो सामान्य मजिस्ट्रेट के न्यायालय के होते हैं तो वहां पे चले जाते हैं। मतलब जो चीजें फैमिली कोर्ट का एक नोटिफिकेशन होता है उस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में जो जितना एरिया कवर करते हैं सब संक्षेप में देखेंगे। ये हिंदू कोर्ट बिल लाया गया था सन 1955 में। उस समय हिंदू कोर्ट बिल में सारे के सारे अधिनियम जो बाद में बने वो सब कोर्ट मतलब विस्तृत जो अधिनियम बनता है उसको कोर्ट बोलते हैं। बड़ी चीज जो होती है उसको कोर्ट बोलते हैं वरना एक्ट बोलते हैं। एक सब्जेक्ट पे अगर कोई चीज बनाई गई पार्लियामेंट ने पास की तो वो एक्ट कहलाती है। कई सारी चीजों को मिलाकर एक पूरी संहिता बना दी जाती तो कोर्ट कहलाती है। तो हिंदू कोर्ट बिल आया था वो उसका बहुत विरोध हुआ तो केवल एक पार्ट 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट के रूप में प्रभावशील पास हुआ और 1956 में उसके शेष पार्ट अलग अलग एक्ट के रूप में आए। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के रूप में आया, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम के रूप में आया और एक और। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।